इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर में आज हम स्टे वायर को डिसमेंटल करेंगे। स्टे वायर को डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक पोल है वहां से स्टे वायर को निकालेंगे। स्टे वायर को पोल से डिसमेंटल करने के बाद इलेक्ट्रिक पोल में जो स्टे क्लैंप लगा गया था उसे भी डिसमेंटल कर देंगे। स्टे वायर और स्टे क्लैंप को इलेक्ट्रिक पोल से डिसमेंटल करने के बाद स्टे रॉड को जमीन से डिसमेंटल करना है, जिसके लिए हमें स्टे रॉड को जमीन से काटना पड़ेगा और ये प्रोसेस हम हैक्सॉ के माध्यम से करेंगे। इसके बाद जो मटेरियल है जैसे कि स्टे रॉड या फिर स्टे का बो, स्टे इंसुलेटर, स्टे क्लैंप और स्टे वायर को बूथ में डिपॉजिट करेंगे या फिर स्टोर में डिपॉजिट करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आशुतोष इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर फॉर नॉलेजेबल एंड वैल्यूएबल वीडियोज। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू एंड अप इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर एपिसोड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आस्क मी बाय कमेंट विथ प्रीफिक्स #SVZANath। For more videos related with electrical architecture, you can click on iCards and also watch these suggestion videos. Till then, subscribe, like and share Ashutosh Electrical Architecture and don't forget to click the all options of the bell icon so that you never miss another update related with electrical architecture. Thank you.